राजस्थान के समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र फौजदार गुरु कृपा क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारे राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और राजस्थान के इतिहास में हम राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे थे और राजपूत काल में दोस्तों हम पढ़ रहे थे चौहान वंश के बारे में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको चौहान वंश सामर को कंप्लीट करा दिया है और चौहान वंश सामर के बाद हम चौहान वंश की शाखाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चौहान वंश अजमेर को आगे लेकर चलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने चौहान वंश अजमेर में आपको, जैसा पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो कृपया आप पिछली वीडियो को देखें, जिससे कि आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हम चौहान वंश अजमेर पर चर्चा कर रहे थे और अजयराज चौहान ने अपने मूल क्षेत्र सामर से निकलकर 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की नींव डाल दी और अजमेर शाखा में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और अजमेर के चौहानों का निर्माण काल अजयराज चौहान के शासनकाल को कहा गया था। अजयराज चौहान ने 1109 से 1133 ईस्वी तक शासन किया। 1133 ईस्वी में अजयराज चौहान अपने पुत्र अरुणराज चौहान को शासन सौंपकर स्वयं पुष्कर के जंगलों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अरुणराज चौहान शासक बनते हैं 1133 ईस्वी में और 1133 से लेकर 1155 ईस्वी में अरुणराज चौहान का शासनकाल होता है। पिछली वीडियो में हम इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं कि अरुणराज चौहान ने क्या क्या करवाया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आनासागर झील जो है तुर्कों के रक्त से अपवित्र हुई भूमि को साफ करने के लिए अजमेर में चंद्रा नदी के किनारे आनासागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अजमेर में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था, वो आप वहाँ पिछली वीडियो में मैं बता चुका आपको। अब दोस्तों आगे की बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि अरुणराज पे ही हम चर्चा कर रहे हैं और अरुणराज के बारे में मैंने आपको बताया कि अरुणराज की दो पत्नियां थीं जिनमें से एक का नाम था दोस्तों सुधवा और दूसरी का नाम था कंचन देवी। सुधवा और कंचन देवी, ठीक है, सुधवा और कंचन देवी के बारे में जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो सुधवा थी, इन सुधवा के पुत्रों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां एक पुत्र का नाम था जगदेव। सुधवा के पुत्र कौन कौन है? जगदेव, देवदत्त, विग्रहराज चतुर्थ, मैं पिछले पार्ट में भी इनको बता चुका हूं आपको, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे और कंचन देवी के पुत्र दोस्तों सोमेश्वर। ठीक है ना, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। ये सोमेश्वर चौहान जो है वो कंचन देवी के पुत्र यानी अरुणराज के ही पुत्र हैं, लेकिन यहाँ जगदेव, देवदत्त, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे आदि जो पुत्र हैं वो सुधवा, इनके पुत्र माने जाते हैं। अरुणराज चौहान की हत्या जो की जाती है दोस्तों, वो की जाती है जगदेव के द्वारा, यानी कि 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में जगदेव अरुणराज चौहान की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठते हैं और 3 साल तक जगदेव का शासनकाल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जगदेव को हटाकर विग्रहराज चतुर्थ यहाँ गद्दी पर बैठते हैं और विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान, हम पिछले पार्ट में बीसल देव चौहान तक बात कर चुके हैं और बीसल देव चौहान 1158 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है दोस्तों, और 1158 से 1163 ईस्वी तक, 1158 से 1163 ईस्वी तक विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल होता है। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को ही चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इसको ढंग से पढ़ें, और पिछली वीडियो में यहीं पर छोड़ के गया था। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बाद। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु होती है 1163 ईस्वी में और इस विग्रहराज चतुर्थ के बाद फिर यहाँ अपर गांगे आदि शासक होते हैं, अपर गांगे है, लेकिन अपर गांगे और इधर जगदेव, जगदेव का पुत्र होता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ये ध्यान रखना है। अरुणराज के पिता कौन थे? अजयराज चौहान, ध्यान देना है यहां पर, अजयराज चौहान, ठीक है ना, और अजयराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम, आपको यहां ध्यान रखना है। ठीक है ना,
पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र है अजयराज चौहान, जिसने अजमेर में चौहान वंश की नींव डाली। अजयराज का पुत्र अर्णोराज चौहान, अर्णोराज के पुत्र ये मैंने आपको बता दिए जगदेव देवदत्त विग्रहराज अपर गांधी सोमेश्वर। सोमेश्वर कौन सी रानी का है? कंचन देवी का। और ये किसके हैं? सुदवा के। अब दोस्तों जगदेव ने हत्या की 1155 में, 1158 तक शासन किया। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163, 1163 के बाद यहाँ अपर गांधी शासक हुआ। अपर गांधी के बाद यहाँ पृथ्वीराज चौहान यानी द्वितीय जो है वो शासक। हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध जो शासक हुए थे वो पृथ्वीराज तृतीय हुए थे। अब पृथ्वीराज तृतीय जो होंगे ना दोस्तों वो सोमेश्वर के पुत्र होंगे, ठीक है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय शासक बना, ये निसंतान मर गया। जब पृथ्वीराज चौहान द्वितीय निसंतान मर जाता है तो इनके मरने के बाद अब गद्दी पर बैठता है कौन दोस्तों? सोमेश्वर चौहान। कौन बैठता है? सोमेश्वर चौहान यहाँ गद्दी पर बैठता है दोस्तों 1169 ईस्वी में। कब बैठता है? 1169। और 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक चौहान अजमेर में चौहान शासक कौन होता है? सोमेश्वर चौहान होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपके यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपको चौहान साम्राज्य आगे का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों पिछले वीडियो से आगे। आज हम किसको लेकर चलेंगे? सोमेश्वर चौहान के बारे में और इनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। एक प्रसिद्ध शासक हुए और अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं भारत, राजेश भारत के। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं चौहान वंश अजमेर में। आज बात करते हैं और चौहान वंश को हम समाप्त करते हैं अजमेर की शाखा को, ठीक है दोस्तों। आगे देखें हम तो विग्रहराज चतुर्थ के बाद हम सीधे पढ़ेंगे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान, ठीक है दोस्तों। सोमेश्वर चौहान में देखें तो 1169 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे और 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक सोमेश्वर चौहान का शासनकाल होता है, ठीक है। अब सोमेश्वर चौहान के बारे में हम देखें तो पिता का नाम आपको पता ही है। सोमेश्वर चौहान के पिता कौन है? अर्णोराज चौहान। पिता कौन है? अर्णोराज चौहान। माता कौन है? कंचन देवी। माता का नाम क्या है? कंचन देवी। समझते चलें दोस्तों, अर्णोराज चौहान के बाद जब यहाँ पे ये सोमेश्वर चौहान यहाँ गद्दी पर बैठे विग्रहराज चतुर्थ के बाद, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद, तो इनके शासनकाल की प्रमुख घटना हम देखें तो सोमेश्वर चौहान जो थे दोस्तों, सोमेश्वर चौहान ने एक तो उपाधि धारण की थी प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर, ध्यान रखना है कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाले चौहान शासक कौन है? तो सोमेश्वर चौहान है, ठीक है, कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। इसके अलावा ये जो दोस्तों सोमेश्वर चौहान है, सोमेश्वर चौहान ने अपने पिता अर्णोराज चौहान, अपने पिता अर्णोराज चौहान तथा स्वयं खुद की स्वयं की मूर्ति बनवाई थी, ठीक है, कि सोमेश्वर चौहान ने अपने पिता अर्णोराज चौहान और स्वयं की मूर्ति का निर्माण करवाया था तथा अपने शासन काल में नवीन मूर्ति कला, नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था। ध्यान रखना है कि चौहान शासन काल में कौन से चौहान शासक ने अपने पिता व स्वयं की मूर्ति का निर्माण करवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया था, वो शासक कौन है दोस्तों? सोमेश्वर चौहान। दोस्तों सोमेश्वर चौहान की जो मृत्यु होती है, सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होती है दोस्तों 1177 ईस्वी में। अब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु कैसे होती है? इनकी हत्या की जाती है, युद्ध में मरते हैं, ये युद्ध लड़ते हुए मरते हैं कि 1177 ईस्वी में दोस्तों गुजरात कि 1177 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव द्वितीय, ध्यान रखना है, भीमदेव द्वितीय के साथ युद्ध करते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, भीमदेव द्वितीय की साथ युद्ध में इनकी मृत्यु होती है तो अब इस भीमदेव द्वितीय और इधर इनके संघर्ष का कारण क्या था? तो इनका कारण और पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे इस भीमदेव द्वितीय से, तो ये आगे की कहानी यहाँ पे बन जाती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बात बताऊँ, भीमदेव द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंशीय शासक थे भीमदेव द्वितीय गुजरात के,
और यहाँ आबू एक छोटी सी रियासत थी, आबू रियासत। और आबू रियासत में एक शासक थे जैत सिंह। कौन थे? जैत सिंह। और आबू रियासत के शासक थे दोस्तों जैत सिंह, और जैत सिंह की पुत्री थी इक्षणी। जैत सिंह की पुत्री का नाम क्या है? इक्षणी। ध्यान रखना है आपको, इसे अक्षणी भी कहते हैं और इक्षणी के नाम से भी जाना जाता है, इक्षणी। ठीक है, जैत सिंह की पुत्री थी इक्षणी। इस इक्षणी के बारे में बताया जाता है कि इक्षणी जो थी, इक्षणी सोमेश्वर चौहान के पुत्र पृथ्वीराज चौहान, या हम कह सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, कि सोमेश्वर चौहान के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं, इनकी वीरता पर वीरता से प्रभावित हुई, और इनकी वीरता से प्रभावित होकर इस इक्षणी ने इस पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह बंधन करने का प्रण कर लिया था, कि इन दोनों में आपस में यानी विवाह का प्रस्ताव हो गया आपस में कि हम एक दूसरे से विवाह करेंगे बाल्यावस्था में ही। लेकिन जैसे ही इक्षणी बड़ी होती है दोस्तों, और इक्षणी जैसे बड़ी होती है तो अब इक्षणी से विवाह करना चाहता है गुजरात का भीमदेव द्वितीय, और गुजरात का भीमदेव द्वितीय इस इक्षणी से विवाह करना चाहता है। तो इधर इक्षणी का जो पिता है जैत सिंह, ये जैत सिंह भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर देता है, और जब इनकार कर देता है तो ये भीमदेव द्वितीय जो है, ये आबू के शासक जैत सिंह पर क्या करता है? आक्रमण। ठीक है, अब आबू के शासक पर जैत सिंह पर आक्रमण किया जाता है भीमदेव द्वितीय के द्वारा। तो अब जैत सिंह इस आक्रमण के समय अपनी सहायता के लिए किसको बुलाता है? सोमेश्वर चौहान को। किसको बुलाता है? सोमेश्वर चौहान को। और पूरी कहानी उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरी पुत्री है, तुम्हारे पुत्र से प्रेम करती है, विवाह करना चाहती है, और इधर ये भीमदेव द्वितीय भी विवाह करना चाहता है, अगर आप मेरी सहायता कर सकते हैं तो आप युद्ध में मेरी सहायता के लिए आए। तो इस कारण अब सोमेश्वर चौहान इस जैत सिंह की सहायता करने के लिए किसके विरुद्ध युद्ध में आया? भीमदेव द्वितीय के में। और इस युद्ध में लड़ते हुए सोमेश्वर चौहान की 1177 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अब इनके अल्पायु के पुत्र पृथ्वीराज चौहान, जो मात्र 11 वर्ष की आयु के थे दोस्तों, 11 वर्ष की आयु में अब पृथ्वीराज चौहान यहाँ की गद्दी पर बैठते हैं। और पृथ्वीराज चौहान अपने पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या का बदला भी लेंगे, किससे? भीमदेव द्वितीय से। हालांकि इक्षणी का जो विवाह होता है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही होता है, और इक्षणी जो है ये 1192 के तराइन के युद्ध में, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, उस युद्ध में अपने पति की रक्षा करते हुए इक्षणी जो है वो यवनों के तीर के लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और तराइन के युद्ध में ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये इक्षणी वाली जो बात है, अब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं बताऊंगा, मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। ठीक है, क्योंकि कारण बनेगा पृथ्वीराज चौहान का भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण करने का। तो दोस्तों ये होते हैं सोमेश्वर चौहान। क्लियर हुआ? अब सोमेश्वर चौहान के बाद अब हम आगे चलते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कि अगले जो शासक बनेंगे चौहान साम्राज्य अजमेर के, वो कौन बनेंगे? पृथ्वीराज चौहान, या पृथ्वीराज तृतीय जिसे हम कह सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट शासक हैं, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप इसको ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ें। अपनी नोट पेन कॉपी आप अपने साथ लेके रहें, और नोट्सों के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सकता है। दोस्तों बिना किसी फीस के मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। आज के समय में बहुत से पे कोर्स चल रहे हैं, पेड कोर्स चल रहे हैं, जहां पैसा देना पड़ रहा है, फिर उसके बाद हमें तैयारी करनी पड़ रही है। यहां आपको एक पैसा नहीं देना है, फ्री में ही मैं आपको एक उच्च स्तरीय तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान को हम पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। पृथ्वीराज चौहान आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पृथ्वीराज प्रथम भी आया, पृथ्वीराज द्वितीय भी आया, और पृथ्वीराज तृतीय भी आया। ये ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें तो। पृथ्वीराज चौहान,
सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे कब? 1177 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट है। 1177 ईस्वी में, 1177 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है, कि 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। अब इनके बारे में हम बात करते हैं, तो यहां ध्यान दें, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम आपको पता ही है, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान, पहले हम इनका एक आधार कार्ड बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर चौहान। माता की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी माता का नाम है कर्पूरी देवी। माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। ठीक है, कर्पूरी देवी दोस्तों, ये जो इनकी माता है कर्पूरी देवी, ये दिल्ली के अनंगपाल तोमर की, दिल्ली के अनंगपाल तोमर, ध्यान रखना है दोस्तों, दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। कौन? कर्पूरी देवी। दोस्तों दिल्ली के शासक, तोमर वंशीय शासक था अनंगपाल तोमर। इस अनंगपाल तोमर ने अपनी एक पुत्री का विवाह कन्नौज, अपनी एक दूसरी पुत्री का विवाह कन्नौज के विजयपाल के साथ किया था। किसके साथ किया था? विजयपाल, कन्नौज के विजयपाल के साथ किया था। यानी कि अनंगपाल तोमर ने अपनी पुत्रियों में से एक पुत्री कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर चौहान के साथ किया था, तो दूसरी पुत्री का विवाह कन्नौज के विजयपाल के साथ किया था। और विजयपाल का पुत्र है दोस्तों जयचंद, गहड़वाल वंश के शासक हैं ये, तो जयचंद गहड़वाल आपको ध्यान रखना है, जयचंद गहड़वाल। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। समझ में आ गई आपकी? अब देखते हैं, कर्पूरी देवी हो गया, सोमेश्वर चौहान इनके पिता का नाम हो गया। अब दोस्तों इनके जन्म की बात अगर हम करें, तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म अहिलवाड़ा गुजरात। ठीक है, कि अहिलवाड़ा गुजरात में इनका जन्म हुआ है। अगर हम दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री का नाम था, तो प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों कैमास, इन्हें कदम्बास भी नाम मिलता है, कैमास कदम्बास तथा कैलाश, कैलाश राठौर, आपको जो भी नाम मिले आप ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री का नाम कैमास कदम्बास और कैलाश राठौर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे, तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम था भुवन मल्ल। भुवन मल्ल ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या है? भुवन मल्ल पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम है। दोस्तों अगर हम पृथ्वीराज चौहान की रानियों के बारे में बात करते हैं, तो या रानी या पत्नी की बात करें, तो पृथ्वीराज चौहान की रानियां पत्नी, इनमें जो प्रमुख मिलती हैं दोस्तों, वो मिलती है संयोगता। ठीक है, इक्ष्वाकु के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन जो प्रमुख, जो इतिहास में जिनका वर्णन मिलता है, वो कौन मिलती है? संयोगता के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ये जो संयोगता है दोस्तों, ये जो संयोगता है, पृथ्वीराज चौहान की रानी का नाम है, ये संयोगता इस जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी। ठीक है, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी। अब आपको समझ में आया कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल एक दूसरे के क्या है? मौसेरे भाई है। तो मौसेरे भाई की पुत्री है कौन? संयोगता। लेकिन संयोगता और पृथ्वीराज चौहान को एक दूसरे से प्रेम हो गया था, और एक दूसरे से प्रेम हो गया तो इन दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह किया था, जिसके बारे में, जिसके कारण ही चौहान और गहड़वालों के मध्य में क्या हुआ? वैमनस्यता बढ़ी, और इनके इन दोनों के बीच में यानी कि संघर्ष चला था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब संयोगता के बारे में, जैसा कि हमें पता ही बता दिया मैंने आपको कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी, इसका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ है? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ है, प्रेम विवाह किया था, संयोगता को प्रेम हुआ पृथ्वीराज चौहान से। बहुत लंबी कहानी यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन आपको, चलो यहाँ स्टेप बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो संयोगता और इस पृथ्वीराज चौहान के प्रेम के बारे में, पहली बात तो इन दोनों में प्रेम हुआ, प्रेम के बारे में जब पता चला जयचंद गहड़वाल को, तो जयचंद गहड़वाल ने इन दोनों के प्रेम को रोकने की कोशिश की।
ठीक है। और लेकिन जब संयोगता नहीं मानी और वो जिद पर अड़ी रही कि भाई विवाह होना है तो विवाह करना है तो किससे करना है, पृथ्वीराज चौहान से ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। और जब ऐसी कंडीशन आई तो इस जयचंद गहड़वाल ने इससे विवाह स्वीकार ना करके इस संयोगता का स्वयंवर करा दिया। और दोस्तों जब संयोगता का स्वयंवर रख दिया गया था और स्वयंवर रख दिया गया तो वहां पर भी एक ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि इस स्वयंवर में भारत के समस्त शासकों को स्वयंवर में आने का न्योता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था कि भाई आप लोग यहाँ पर आए और स्वयंवर में पधारें। और संयुक्ता का स्वयंवर है और जिस संयुक्ता जिसको भी पसंद करेगी, जिसके गले में वरमाला डालेगी, उसी के साथ उसका विवाह हो जाएगा। सबको बुलाया लेकिन किसको निमंत्रित नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं भेजा गया था। एक तो पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया और दूसरा इस पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए इस स्वयंवर का जो दरवाजा था वहाँ स्वयंवर के दरवाजे पर इस पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की मूर्ति खड़ी करवा दी, जिसे द्वारपाल का रूप दिया गया था। और द्वारपाल का रूप देकर लोहे की मूर्ति को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। और जब खड़ा कर दिया गया तो ये उपहास का पात्र बनी मूर्ति कि जितने भी शासक वहाँ पर आए थे वो पृथ्वीराज चौहान जो उत्तर भारत का एक बहुत महान शासक था उसको एक द्वारपाल के रूप में वहाँ पर देखकर सब लोगों ने, सभी शासकों ने उसका उपहास उड़ाया था। ठीक है, सब लोग उस पर हंसकर आगे बढ़े थे, उसका उपहास उड़ाते हुए आगे बढ़े थे। अब स्वयंवर में जब संयुक्ता विवाह की, अपने विवाह की वरमाला लेकर आई तो वह अपनी नजरों से किसको ढूंढ रही थी, पृथ्वीराज चौहान को। तो वहां पृथ्वीराज चौहान तो उपस्थित थे ही नहीं। उधर पृथ्वीराज चौहान को इस संयोगता के स्वयंवर के बारे में पता चलता है कि स्वयंवर किया जा रहा है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है, और दूसरा मेरी बेइज्जती करने के लिए ये जो व्यवस्था है वो की गई है। तो अब पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर इस स्वयंवर के स्थान पर ही आक्रमण कर देता है। और उधर संयोगता जो है वो जब उस पृथ्वीराज चौहान को नहीं देख पाती है तो संयोगता उस पृथ्वीराज चौहान की उस लोहे की मूर्ति के गले में ही वरमाला डाल देती है और उससे अपना विवाह कर लेती है। पीछे से आक्रमण कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान और स्वयंवर से ही उठा ले जाता है और वहां से ले जाकर अजमेर पहुंच जाता है और अपनी राजधानी अजमेर में जाकर इस संयोगता के साथ प्रेम विवाह कर लेता है। तो दोस्तों ये कंडीशन रही थी इस गहड़वाल और इस चौहान के मध्य में, जो वैमनस्यता, जो संघर्ष रहा था वो इस तरीके से रहा था। अब सीधी सी बात दोस्तों, अपनी भाषा में अगर हम यूँ कहें कि भाई किसी के घर से अगर किसी की लड़की को भगा कर ले जाएगा तो दोस्ती बढ़नी नहीं है, दोस्ती नहीं बढ़ेगी, बनी हुई दोस्ती भी बिगड़ जाएगी। यहाँ रिश्ते मौसेरे भाई के थे लेकिन यहाँ पर जो शत्रुता थी वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुकी थी, अपने चरम पर थी एक दूसरे से बदला लेने का। और अब इसी कारण ये जो जयचंद गहड़वाल है दोस्तों, जयचंद गहड़वाल इसी अपनी जो बेइज्जती मानी उसने कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसी का बदला लेने के लिए जयचंद गहड़वाल ने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। क्लियर यहाँ तक? अब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक ध्यान रखें। ये तो हो गया आपका संयोगता के बारे में कि संयोगता किसकी पुत्री है, जयचंद गहड़वाल की। ठीक है, अब दोस्तों रानी यहाँ पर हो गई तो इसके बाद दोस्तों हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की उपाधियों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां, पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हैं दोस्तों, एक तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है राय पिथौरा। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, राय पिथौरा। और दूसरी उपाधि है दोस्तों दल पुंगल। राय पिथौरा और दल पुंगल ये जो उपाधियां हैं ये किसकी उपाधियां हैं, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां मानी जाती हैं। इनमें अगर दोस्तों हम बात करें राय पिथौरा के बारे में तो राय पिथौरा का जो अर्थ होता है, राय पिथौरा का अर्थ होता है तेज गति से युद्ध जीतने वाला, तेज गति से युद्ध जीतने वाला। तेज गति से युद्ध जीतने के कारण इसे राय पिथौरा कहा गया था। दल पोंगल का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता। दल पोंगल का मतलब क्या होता है, विश्व विजेता।
ये हैं पृथ्वीराज चौहान के आधार कार्ड के बारे में, उनका राशन कार्ड हमने बना दिया, उनके जीवन से संबंधित जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर। अब हम बात करेंगे इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की। तो जैसे ही 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1177 में इनके पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या हो जाती है, युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो अल्पायु में यानी 11 वर्ष, दोस्तों ये प्रश्न सीधा कई बार पूछा जा चुका है, पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे, तो 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु, 11 वर्ष, 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान जो है वो गद्दी पर बैठते हैं यानी अल्प आयु में शासक बनते हैं। और शासन का प्रबंध जो होता है दोस्तों वो इनकी माँ कर्पूरी देवी के हाथों में होता है, इसी कारण कर्पूरी देवी को पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई समस्या नहीं है? समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में। देखें, जैसे ही 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं, तो गद्दी पर बैठते ही इनके चाचा जो थे, पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे दोस्तों अपर गांगे नागार्जुन आदि, ये पृथ्वीराज चौहान को चौहान साम्राज्य का वास्तविक शासक मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, और इन ये जब वास्तविक शासक मानने को तैयार नहीं थे तो इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था, जिनमें गुड़गांव माना जाता है, गुड़गांव, ठीक है, जिनमें गुड़गांव को माना जाता है कि गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1178 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो 1177 में गद्दी पर बैठे और 1178 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपने चाचा अपर गांगे व नागार्जुन को परास्त किया था। इस युद्ध को कहा जाता है गुड़गांव का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब गुड़गांव का युद्ध माना जाता है तो गुड़गांव हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो क्षेत्र था इस यहाँ तक हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था दिल्ली में इस समय अनंगपाल तोमर का शासन था और अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कौन, कर्पूरी देवी। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी जिनमें एक का विवाह कन्नौज के विजयपाल के साथ और दूसरा सोमेश्वर चौहान के साथ किया था। तो दिल्ली के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का जो शासन सौंप दिया था दोस्तों वो अपने नमासे पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था। ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का साम्राज्य दे दिया था। ये ही बात पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद के मध्य भी वैमनस्यता का कारण भी थी। दो कारण प्रमुख माने गए, एक संयुक्तता का विवाह और दूसरा दिल्ली की गद्दी, ये चौहान और गहड़वाल के मध्य जो संघर्ष रहा था उसका प्रमुख कारण माना जाता है कि दिल्ली का जो शासन था वो पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था अनंगपाल तोमर ने। तो यहाँ गुड़गांव का युद्ध हुआ और गुड़गांव के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपने चाचा अपर गांगे और नागार्जुन को परास्त कर दिया था। अब दूसरी घटना अगर हम बात करें तो यहाँ पर नागार्जुन और इनको परास्त कर दिया, इसके बाद दोस्तों अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय नीति अपनाई। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति, ध्यान रखना है, ये प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति कब अपनाई थी, तो ध्यान रखना है 1182 में। ठीक है, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपने जो पड़ोसी राज्य थे उन पर अधिकार करके उनको अपने साम्राज्य, दिग्विजय की नीति का मतलब होता है कि अपने पड़ोसी राज्य पर अधिकार करने के बाद उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन ये हुई थी दोस्तों कि एक जाति थी भंडानुक, कौन सी जाति थी, भंडानुक जाति थी। ये भंडानुक जो जाति थी ये सतलज नदी वाले क्षेत्र में निवास करने वाली थी और इस जाति ने अपने मूल स्थान सतलज नदी से आगे बढ़कर मथुरा भरतपुर वाला जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था, यानी उसकी ओर आगे बढ़ते हुए आ रही थी। तो इस भंडानुक जाति का दमन किया पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में और इनका दमन करने के बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी नीति अपनाई थी, दिग्विजय की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख घटनाओं में हम बात कर रहे हैं तो नागार्जुन अपर गांगे को दमन कर दिया, फिर दिग्विजय की नीति अपनाते हुए भंडानुक जाति का दमन कर दिया 1182 ईस्वी में। दोस्तों इसी 1182 ईस्वी में अब यहाँ दिग्विजय की नीति अपनाते हुए ही
अब यहाँ पर और कंडीशन हम बताते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था महोबा पर, ठीक है। तो देखें महोबा पर आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हुआ महोबा पर, आक्रमण महोबा पर आक्रमण किया 1182 ईस्वी में। जब 1182 ईस्वी में महोबा पर आक्रमण किया तो यहाँ एक युद्ध हुआ था साथियों, और वो युद्ध है तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तुमुल का युद्ध। ये जो तुमुल का युद्ध है ये महोबा पर, महोबा के पास में एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, ये स्थान है दोस्तों, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के महोबा में 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था। अब यहाँ पर देखें तो इस महोबा पर आक्रमण के समय या तुमुल के युद्ध के समय यहाँ शासक कौन कौन थे, क्या कारण रहा था? तो यहाँ पर देखें शासक इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो शासक देखेंगे हम इसके। तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज, यहाँ महोबा का जो शासक था दोस्तों वो था चंदेल वंशीय शासक परमर्दी देव चंदेल। कौन था? परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल यहाँ शासक था। इस युद्ध का परिणाम जो निकला, इस युद्ध का परिणाम निकला दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय। ध्यान रखना है किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस युद्ध का कारण क्या था, क्या कारण था कि पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल के मध्य में संघर्ष हुआ। पहला एक कारण तो हम इसे सीधा सीधा सा कह सकते हैं कि दिग्विजय की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध हुआ। लेकिन दोस्तों एक का एक कारण और मिलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इसे पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, पृथ्वीराज चौहान की सेना दिल्ली में युद्ध करके वापस आ रही थी, और दिल्ली से युद्ध करके जब वो वापस आ रही थी तो पृथ्वीराज चौहान के कुछ घायल सैनिक थे, वो घायल सैनिक जब वापस आ रहे थे तो इस महोबा में, जब वो वहां पर थे महोबा में, तो इस परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के उस घायल सैनिकों को मरवा दिया था। तो अपने इसी बात का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चंदेल पर आक्रमण किया। तो दो कारण बने, एक दिग्विजय की नीति और एक अपने घायल सैनिकों की मृत्यु का बदला लेना। दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान ने या परमर्दी देव चंदेल पर आक्रमण किया था 1182 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन परमर्दी देव चंदेल के दो वीर सेनापति, ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके दो वीर सेनापति थे आला और उदल। आला और उदल जो थे ये किसके वीर सेनापति थे? परमर्दी देव चंदेल के। परमर्दी देव चंदेल ने अपने सेनापति, पूर्व सेनापति आला और उदल के पास संदेश भिजवाया था कि आपके साम्राज्य पर आक्रमण हुआ है और आप तो सहायता के लिए पहुंचे। तो ये दोनों पहुंचे थे परमर्दी देव चंदेल की सहायता के लिए और इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आला और उदल किसके, कौन से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? महोबा के तुमुल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये अगली घटना हो जाती है दोस्तों। इसके बाद हम पृथ्वीराज चौहान की अगली और प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें तो 1182 में यहाँ तुमुल का युद्ध हो जाता है, और इसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो 1184 ईस्वी में आक्रमण करते हैं आबू पर। पृथ्वीराज चौहान का आबू, या मैं कह सकता हूँ गुजरात, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आबू पर आक्रमण, ठीक है, 1184 ईस्वी में। अब इस समय यहाँ के शासक कौन है? भीमदेव द्वितीय, जो चालुक्य वंशी है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जिसके बारे में बताया था। तो यहाँ शासक के बारे में हम बात करें तो देखें यहाँ शासक कौन कौन हो गए, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज भीमदेव द्वितीय, कौन से वंश का है? चालुक्य या सोलंकी वंश, ठीक है, भीमदेव चालुक्य। कारण क्या था? कारण मैं आपको बता चुका, बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया था कि भीमदेव द्वितीय ने 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पिता सुमिरसो चौहान की हत्या की थी युद्ध में, और युद्ध क्यों हुआ था? इच्छनी को लेकर हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसका परिणाम जो निकला दोस्तों, परिणाम, इसके परिणाम के बारे में बात करें तो देखो कई पुस्तकों में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है, लेकिन कई पुस्तकों में भीमदेव द्वितीय और
पृथ्वीराज चौहान के मध्य में जब ये युद्ध चलता है तो कई बार ये युद्ध होता है जिसमें भीमदेव द्वितीय के सामंत के द्वारा या सेनापति के द्वारा संधि करने का भी हमें वर्णन मिलता है। लेकिन किस दोनों ही पक्षों में जो फायदा हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान को हुआ था, तो हम यहाँ कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की विजय। ठीक है कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, भीमदेव द्वितीय की पराजय होती है और ये 1184 में गुजरात पर आक्रमण किया अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए। इसके बाद अन्य घटनाओं में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर चौहान गहड़वाल संघर्ष, चौहान और गहड़वाल संघर्ष में मैंने आपको बताया जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और गहड़वाल वंश का शासक कौन है, जयचंद। ठीक है कि जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में ये संघर्ष होता है। संघर्ष के कारण जैसे कि मैं आपको बता चुका कि दो प्रमुख कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयुक्ता का विवाह और दूसरा दिल्ली की गद्दी को लेकर आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता। ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों जयचंद गहड़वाल की पराजय ही मानी जाती है कि उसकी पुत्री को वहाँ से स्वयंवर से ले आया और फिर उसके बाद जयचंद गहड़वाल जो था वो इसी बात का बदला लेने की फिराक में था पृथ्वीराज से। अगली घटना के बारे में जो देखें जैसे जयचंद चौहान गहड़वाल संघर्ष है उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर चौहान तुर्क संघर्ष, चौहान तुर्क संघर्ष के बारे में बात करें तो चौहान और तुर्क संघर्ष के बारे में जैसे हम बात करें तो चौहान तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान का शासन ही है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन तुर्क जाति का जो शासक था दोस्तों तुर्क शासक है मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी और चौहान साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों ये गजनी का शासक था, कहाँ से आया था गजनी, कि ये गजनी की गद्दी पर बैठा और गजनी की गद्दी पर बैठते ही अब पृथ्वीराज वो मोहम्मद गौरी जो था ये उत्तर भारत की ओर बढ़कर दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो यहाँ पर हम देखें कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में संघर्ष, तो यह मोहम्मद गौरी की जैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी, अब मोहम्मद गौरी जो था ये मोहम्मद गौरी गजनी की गद्दी पर बैठा और गजनी से कहां पर आना चाहता था दिल्ली, कि दिल्ली की गद्दी को हत्याना चाहता था। तो अब प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों ये जो मोहम्मद गौरी था मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आने के लिए इसने सबसे पहली कंडीशन दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें मैं आपको यहां बता देता हूं देखें तो यहां अगर हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो गजनी का जो शासक था दोस्तों मोहम्मद गौरी ने गुजरात के रास्ते से प्रवेश करना प्रारंभ किया। ठीक है कि गुजरात के रास्ते से प्रवेश करना प्रारंभ किया था और जब ये गुजरात के रास्ते से प्रवेश करने के लिए आया तो यहां पर जो शासक था दोस्तों वो था भीमदेव, जो कि मैंने अभी आपको बताया चालुक्य वंशीय शासक था भीमदेव द्वितीय। और जब गुजरात की ओर से दिल्ली में जब यहाँ पे प्रवेश करना चाह रहा है तो गुजरात की तरफ से प्रवेश किया भीमदेव द्वितीय के साथ और मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय के मध्य 1178 ईस्वी में एक युद्ध हुआ अहीरबाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? अहीरबाड़ा का युद्ध। आप ध्यान दें कि मोहम्मद गौरी ने गुजरात की दिशा से प्रवेश करने का प्रयास किया था और जब ये गुजरात की दिशा से प्रवेश किया तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय के मध्य में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और जब मोहम्मद गौरी और इसके बीच में संघर्ष हुआ इस संघर्ष में भीमदेव द्वितीय की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? पराजय हुई। बुरी तरह से पराजित होकर मोहम्मद गौरी वापस खदेड़ दिया गया था भीमदेव द्वितीय के द्वारा कि दिल्ली तो बहुत बड़ी बात है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी यानी कि पहले हमें मुझसे ही आपको लड़ना पड़ेगा। तो भीमदेव द्वितीय ने इसे वापस कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी अब इस रास्ते से ना आकर मोहम्मद गौरी ने पंजाब के क्षेत्र से, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र था, पंजाब के क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने के यहाँ से इस क्षेत्र से पंजाब वाले क्षेत्र से प्रवेश किया।
ठीक है, और पंजाब के रास्ते से प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये अफगानिस्तान होते हुए यानी कि सीधा भारत पहुंचता है, और भारत पहुंचता है तो यहाँ हरियाणा वाले क्षेत्र में एक दिल्ली, दिल्ली के पास हरियाणा, यहाँ पर एक मैदान है दोस्तों तराइन का मैदान, ठीक है कि तराइन, तराइन का मैदान, और ये मोहम्मद गौरी जो है ये अपनी सेना को लेकर तराइन के मैदान तक पहुंच जाता है। अब यह तराइन के मैदान में जब ये अपनी सेना डाल देता है तो इसी सेना के आगमन के बारे में पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना भेजता है, तो इधर अजमेर से सेना चलती है दोस्तों, अजमेर से सेना गई, और अजमेर से सेना जब यहाँ पर जाती है तो अजमेर से और इधर दिल्ली से जो सेना है वो आती है, और दिल्ली में जब संघर्ष होता है तो इस युद्ध को हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, तो देखें पृथ्वीराज चौहान, बरसेज मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, बरसेज मोहम्मद गौरी। हालांकि दोस्तों इस युद्ध, ये जो ऐतिहासिक युद्ध है, इस युद्ध से पहले इस मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य कई बार युद्ध हुए हैं, और उन युद्धों में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अनेकों बार परास्त किया था, जिनमें अगर हम बात करें कि हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार परास्त किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं सुरजन चरित्र के अनुसार, तो सुरजन चरित्र ग्रंथ के अनुसार हम पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था, वो सॉरी 23 बार, यानी कि हम्बीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, और उसके बाद अगर हम बात करें सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र के अनुसार 23 बार, और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 24 बार परास्त किया था। लेकिन दो ऐतिहासिक युद्ध जो हैं वो तराइन के युद्ध माने जाते हैं, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध होता है, तो दोस्तों इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिल्ली के गोविंद राय के द्वारा दिया जाता है। दिल्ली के गोविंद राय ने पृथ्वीराज चौहान के साथ सेना भेजी, साथ दिया, और गोविंद राय ने प्रहार किया था मोहम्मद गौरी पर, मोहम्मद गौरी ने गोविंद राय पर भी प्रहार किया, लेकिन गोविंद राय के प्रहार से मोहम्मद गौरी जो है वो घायल हो गया, निहत्था हो गया, और मोहम्मद गौरी अपनी सेना को लेकर वापस भाग जाता है, भगदड़ मच जाती है। इस युद्ध में विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत लेता है, तो परिणाम पृथ्वीराज चौहान की विजय। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसी युद्ध के समय अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल भी करता है कि इस तराइन के युद्ध के बाद इस मोहम्मद गौरी की जो भागती हुई सेना थी, घबराई हुई जो सेना थी, उसका पीछा ना करके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवनदान दे दिया था, और ये पृथ्वीराज चौहान की जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया। इसके एक साल बाद ही दोस्तों इधर पृथ्वीराज चौहान अपने आप को विलासतापूर्ण जीवन में ले गया, कोई अपने राज्य से ऐसी कोई ज्यादा तैयारियां नहीं कर पाया, और उधर मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हारने के बाद लगातार तैयारियों में लगा रहा, कि लगातार युद्ध की तैयारी करता रहा, और उधर मोहम्मद गौरी अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिए प्रयासरत है, और उधर दोस्तों कन्नौज का जयचंद गहड़वाल, और कन्नौज का जयचंद गहड़वाल जो है ये भी अवसर की तलाश में है पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए। तो अगले ही वर्ष की बात है दोस्तों, इसी तराइन के मैदान में दोनों की सेनाएं फिर आमने सामने हो जाती है, और दोनों की सेनाएं जब आमने सामने होती हैं तो अब यहां पर फिर दोबारा से युद्ध होता है, जो 1192 में होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। पिछली बार रीट में पूछा गया प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो वो प्रथम युद्ध, तो ध्यान रखना है, तो प्रथम हुआ 1191 में और द्वितीय हुआ 1192 ईस्वी में। तो ये शासक हो गए गोविंद, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, लेकिन मोहम्मद गौरी का साथ किसने दे दिया, जयचंद गहड़वाल ने इसमें साथ दे दिया। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जब संघर्ष होता है, पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी खास तैयारियां नहीं की, उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान बेमन से अपनी पत्नी संयोगता के द्वारा ललकारने पर, पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार हुआ था,
कि बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो युद्ध करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसने कोई तैयारियां नहीं की थी। तो पृथ्वीराज चौहान की रानी संयोगता ने अपने हाथों के जो कंगन थे वो कंगन उतार कर पृथ्वीराज चौहान को दिए, उसका स्वाभिमान ललकारा कि अगर तुम्हारे अब युद्ध करने की क्षमता नहीं है, युद्ध नहीं कर सकते, तो अब युद्ध करने संयोगता जाएगी और आप चूड़ियाँ या कंगन अपने पहन लो। जब अपनी पत्नी के द्वारा उसके स्वाभिमान को ललकारा गया था तो पृथ्वीराज चौहान अब युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन बिना तैयारियों के युद्ध करने जाएगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और यहां दोनों तैयारी करके और अपनी पराजय का बदला लेने की प्रतिशोध की भावना में यहाँ पर थे। तो दोस्तों यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद गढ़वाल की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को पराजय कर देता है। यहाँ पर कंडीशन कहानी ये भी बताई जाती है कि पृथ्वीराज चौहान का जो घुड़सवार है, अश्वशाला का जो प्रधान है, अश्वशाला के प्रधान को ये अपने पक्ष में कर लेते हैं और युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान को एक युद्ध में प्रशिक्षित घोड़े के स्थान पर एक नृत्य प्रशिक्षित घोड़े को दे देते हैं कि जो घोड़ा नाचने में निपुण होता है उस घोड़े को दे देते हैं। घोड़े का नाम मिलता है नाट्यरंभा, ध्यान रखना है। और जब पृथ्वीराज चौहान उस नाचने वाले घोड़े को लेकर युद्ध भूमि में जाता है तो घोड़ा जो है वो युद्ध में निपुण नहीं था और वो नाचने लगता है, तो ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वीराज चौहान को घेर लिया जाता है। और घेर लिया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसके परिणाम में यह मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है तो दोस्तों ध्यान रखना है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में हिंदू सत्ता का अंत होता है कि भारत में हिंदू सत्ता का अंत हो जाता है और भारत में मुस्लिम सत्ता का उदय हो जाता है। ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदू सत्ता का अंत और मुस्लिम सत्ता का उदय किस युद्ध के बाद हुआ है, तो कौन से युद्ध के बाद हुआ है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद माना जाता है। इस युद्ध के समय में बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को वहीं मार दिया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को जीवित ही बंदी बना लेता है और घोड़ों से बांधकर उसे घसीटकर काबुल ले जाता है। कहाँ ले जाता है, काबुल ले जाता है। और जब काबुल में ले जाता है तो उसे वहाँ बंदी बनाकर रखता है और काबुल पहुँचकर पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़ दी जाती हैं और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़कर उसे अंधा कर दिया जाता है और वहाँ कैद में डाल दिया जाता है। दोस्तों यातनाएं दी जाती हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान वापस आता है और मोहम्मद गौरी वापस आता है भारत में। और अगले ही वर्ष में यानी कि यहाँ 1192 में तो ये युद्ध हुआ और 1194 के समय में दोस्तों मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल की भी हत्या कर देता है। यानी जयचंद गढ़वाल की सहायता से ही मोहम्मद गौरी को भारत में सत्ता स्थापना का मौका मिला और जयचंद गढ़वाल की ही एक साल बाद हत्या कर दी जाती है 1194 ईस्वी में। यही कारण है कि जयचंद गढ़वाल को देशद्रोही के नाम से जाना जाता है और ये इसके बाद दोस्तों अंधा करके काबुल में रखा जाता है। किसको, पृथ्वीराज चौहान को। उसके कुछ समय बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र होता है और दरबारी कवि है चंद्र वरदाई, ध्यान रखना यहाँ पे चंद्र वरदाई को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान को काबुल में रखा गया है, कि मोहम्मद गौरी ने उसे काबुल में रखा हुआ है और पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके रखा हुआ है। अब चंद्र वरदाई जो है वो काबुल पहुंचता है, अपना भेष बदल कर काबुल पहुंचता है, अपने आप को एक महान एक साधु के रूप में प्रस्तुत करता है मोहम्मद गौरी के सामने। और जब मोहम्मद गौरी के सामने प्रस्तुत करता है तो अब गौरी का हस्तरेखाएँ देखकर उसके भाग्य के बारे में बताने जाता है। पहली जो बातें हैं वो मोहम्मद गौरी के जन्म के बारे में, चंद्र वरदाई को सब कुछ पता होता है भविष्य के बारे में, तो कैसी भी कोई भी डींग हाँक दे वो भी सत्य ही अच्छी अच्छी बातें बताते चलो। तो पृथ्वीराज वो चंद्र वरदाई से प्रभावित हो गया मोहम्मद गौरी और चंद्र वरदाई ने मोहम्मद गौरी के बारे में जब मोहम्मद गौरी को ये बताया कि तुमने पृथ्वीराज चौहान नामक एक शासक को कैद कर रखा है, उसे अंधा कर रखा है और उसके साम्राज्य पर अपना अधिकार कर रखा है, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते कि जिस व्यक्ति को आपने यहाँ अंधा कर रखा है उसके पास एक ऐसी विद्या है जो पूरी दुनिया में उसी के पास है और अब उसको मारने के बाद वो विद्या उसी के साथ चली जाएगी, तो क्यों ना तुम उस विद्या को सीख लो जिससे कि वो तुम्हारे काम आए। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो थे ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, ठीक है, यानी आंखों पर पट्टी बांधकर सटीक निशाना लगाने की जो विद्या में निपुण था पृथ्वीराज चौहान थे, शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। और इसी कला को सिखाने के बहाने चंद्र वरदाई ने मोहम्मद गौरी को प्रेरित किया
और जैसे ही प्रेरित किया तो अब इस कला को सीखने के समय में जब दूर दूर खड़े हुए तो इस चंद्रबरदाई के सामने मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को लाया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो इस चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा था अपने मित्र के सब पास में कि चार बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। ये ध्यान रखना है कि चार बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान, यानी कि अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को दिशा और दूरी बता दिया कि इस दिशा में इतनी दूरी पर मोहम्मद गौरी खड़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने उसी दिशा और दूरी में शब्द भेदी बाण चलाया जिससे कि किसकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कर दी शब्द भेदी बाण चलाने के कारण। और दोस्तों मोहम्मद गौरी की हत्या करने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे के पेट में कटार घोंप ली और कटार घोंप कर एक दूसरे की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाता है कि इन दोनों का जन्म और इन दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई थी। तो दोस्तों यह है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब बात करें, थोड़ा सा और रह गया इसमें, वीडियो लंबी हो गई लेकिन इम्पोर्टेंट थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक है, अंतिम चौहान शासक, ठीक है, कि अंतिम चौहान शासक माना जाता है। ये जो पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने इसी अजमेर में एक साहित्य विभाग की स्थापना की थी। और पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में जो साहित्य विभाग की स्थापना की थी, इस साहित्य विभाग का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया था, ध्यान रखना है कि अजमेर में किसकी स्थापना की थी, साहित्य विभाग के, और साहित्य विभाग की स्थापना की थी और पद्मनाभ को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था। ध्यान रखना है कि पद्मनाभ को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान ने बीसलपुर बांध जो टोंक में है, बीसलदेव चौहान ने इस बीसलदेव कस्बे को बनाया था, बीसलदेव बांध का निर्माण करवाया था। इस बीसलपुर बांध के समीप एक महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ध्यान रखना है कि महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवियों के बारे में, तो पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख दरबारी कवि कौन कौन हैं। पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख दरबारी कवियों के बारे में हम बात करें तो नंबर एक अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रबरदाई। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि चंद्रबरदाई को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था। तो चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट, ध्यान रखना है, अगर चंद्रबरदाई नहीं आए और पृथ्वी भट्ट पूछ लिया जाए तो हम गड़बड़ कर जाएंगे। तो चंद्रबरदाई या पृथ्वी भट्ट किसके दरबारी कवि हैं, पृथ्वीराज चौहान के। इनकी जो रचना है उसकी रचना का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो। अगर हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों तो वो है जयानक की रचना के बारे में अगर बात की जाती है तो जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय, ठीक है, ये दरबारी कवि हैं। अगर अगले दरबारी कवियों के बारे में हम बात करें तो चंद्रबरदाई हो गया, जनार्दन हो गया, जनार्दन आदि, यानी चंद्रबरदाई, जयानक, बागीश्वर, जनार्दन आदि जो हैं ये किसके दरबारी कवि हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। तो दोस्तों ये होता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, अजमेर के अंतिम चौहान शासक हैं। इनके बाद में यहाँ पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है और मोहम्मद गौरी दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, और दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लेता है। तो वहाँ पर अजमेर की कंडीशन हम बताएंगे थोड़ा सा। तो इस पृथ्वीराज चौहान के बाद इस पृथ्वीराज चौहान का एक तो भाई था हरिराज, ध्यान रखना है हरिराज, ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम क्या था, हरिराज, पृथ्वीराज चौहान और हरिराज, और इधर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम था गोविंद राज। ध्यान रखना थोड़ा सा, दो मिनट का काम, कि गोविंद राज इसके पुत्र का नाम है और हरिराज जो है वो पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम है। पृथ्वीराज चौहान के बाद 1192 ईस्वी में अधिकार तो हो जाता है यहाँ पर मोहम्मद गौरी का अजमेर पर, लेकिन गोविंद राज जो है वो शासक बनता है कि दिल्ली को कर देने के बदले में मोहम्मद गौरी जो है वो इसके पुत्र को शासक बना देता है, लेकिन हरिराज भी गद्दी पर बैठना चाहता है। तो अब गोविंद राज जो है दोस्तों ये 1194 ईस्वी में
1194 ईस्वी में अजमेर से निकल जाता है और ये रणथंभौर में चौहान वंश की शाखा डाल देता है। ध्यान रखना है कि अजमेर से निकलता है और अजमेर से निकलकर 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसके द्वारा डाली जाती है, गोविंद राज चौहान के द्वारा, जो किसके पुत्र हैं, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं। और यहाँ भाई है हरिराज, ये गद्दी पर बैठने का प्रयास करता है, उधर मोहम्मद गौरी को पता चलता है। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ सेना भेजता है तो हरिराज डरकर आत्महत्या करके मर जाता है। तो दोस्तों ये होता है चौहान वंश अजमेर, जिसके सारे शासक जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चौहान वंश रणथंभौर की। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।